हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। T20 वर्ल्ड कप का महासंग्राम छिड़ चुका है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से है। ये मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर खेला जाना है, लेकिन भारत इस मैच से पहले अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। इसी के चलते भारत ने अपना पहला वार्म अप मैच खेला और भारत ने इसमें शानदार जीत दर्ज की। भारत ने इस वार्म अप मैच में पहले टॉस जीता और फिर इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 188 रन बनाकर जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य रख दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी कमाल की पारियां खेली। केएल राहुल के शानदार 51 और ईशान किशन के शानदार 70 रनों की बदौलत भारत ने लक्ष्य 6 विकेट और 6 गेंद रहते हुए हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच ने रोहित शर्मा की परेशानियां बढ़ा दी, क्योंकि ईशान किशन और राहुल इस समय शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में कोहली और टीम मैनेजमेंट के लिए ईशान किशन और राहुल में से किसी एक को भी बाहर बिठाना मुश्किल होने वाला है। लेकिन रोहित के रहते ये खिलाड़ी भारतीय पारी की शुरुआत नहीं कर सकते। ऐसे में देखना होगा भारत रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठाकर ईशान किशन और केएल राहुल को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पारी शुरू करने का मौका देता है, या फिर ईशान किशन और राहुल में से किसी एक को रोहित के साथ ओपनिंग करने का मौका मिलता है। आप तो जानते ही हैं, इस साल T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में हो रहा है। वहीं अभी IPL का समापन भी UAE में हुआ है और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस IPL के प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई। वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से भी ज्यादा रन नहीं आए। ऐसे में रोहित का बल्ला T20 वर्ल्ड कप में चलेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। रोहित शर्मा ने IPL 2021 के 13 मैचों में 381 रन बनाए थे, जबकि IPL में KL राहुल ने 13 मैचों में 626 रन बनाए थे। वहीं ईशान ने IPL 2021 के 10 मैचों में 241 रन बनाए हैं। लेकिन मौजूदा समय में ईशान किशन सबसे बढ़िया फॉर्म में है। ऐसे में ईशान किशन को बाहर बिठाना एक मुश्किल फैसला हो सकता है। यही वजह है कि क्रिकेट के कुछ जानकार कह रहे हैं कि T20 के हिटमैन को भारत कुछ एक मुकाबलों में रेस्ट दे सकता है। आपको क्या लगता है, रोहित को विराट कोहली बाहर बिठाने का फैसला लेंगे या फिर ईशान किशन किसी और नंबर पर उनको खिलाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।